लेनिनग्राद की सड़कों ने 50 साल पहले मुझे एक नियम सिखाया था, अगर झगड़ा होना ही है तो पहला मुक्का आपको ही मारना होगा। ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2015 में कही थी और युद्ध को लेकर भी उनकी सोच कुछ ऐसी ही थी। तभी तो उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया जो आज 2 साल बाद भी जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। पुतिन कहने को तो नाम छोटा सा है लेकिन शख्सियत ऐसी है जो दुनिया को हिला दे। वो कई बार ऐसा कर भी चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों की नाक में दम करने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुहाने तक ला चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने यही किया है। 13 मार्च 2024 की सुबह रूस की सरकारी मीडिया पर एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ। वो इंटरव्यू रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का था जिन्होंने धमकी भरे लहजे में सारी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया। पुतिन ने कहा अगर रूस की संप्रभुता को किसी भी तरह का खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा। इस धमकी भरे इंटरव्यू के 2 दिन बाद रूस में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और 5वीं बार पुतिन रूस के राष्ट्रपति चुने गए। तो किसी भी देश की कमान उसके मुखिया के हाथ में होती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता है तो पश्चिमी देशों में राष्ट्रपति के हाथ में पार होती है। अमेरिका और रूस इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन किसी भी शख्स के लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। जैसे भारत के प्रधानमंत्री चाय वाले से पीएम तक के संघर्ष की कहानी हम सब जानते हैं, इसी तरह से अगर आज पुतिन या जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं तो उसके पीछे उनके जीवन के जोखिम भरे वो संघर्ष हैं जिन्हें पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और बात पुतिन की करें तो उन्होंने जासूस से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर कैसे तय किया इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। हालांकि पुतिन की जिंदगी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। वो एक ऐसे शहर में पैदा हुए थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुका था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और खुफिया एजेंसी में जासूस बने और फिर उसी एजेंसी के चीफ की पोस्ट तक पहुंचे और आज अपने दबंग अंदाज के चलते ही वो पिछले 24 साल से राष्ट्रपति की कुर्सी पर जमे हैं। तो बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। उस समय सोवियत यूनियन के शहर लेनिनग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, उस शहर को जर्मनी की सेना ने 2 साल से भी लंबे समय तक सीज कर रखा था। यहाँ इतनी बमबारी हुई थी कि पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया था। जंग के बाद लेनिनग्राद को फिर से बसाने की कोशिशें की जा रही थी। उसी दौरान 7 अक्टूबर 1952 को व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। पुतिन के पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच सोवियत नेवी में ऑफिसर थे और उनकी माँ मारिया इवानोवना एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। जंग का दौर था लिहाजा उनका परिवार बेहद गरीबी में जी रहा था। पुतिन का बचपन लेनिनग्राद के एक कम्युनल फ्लैट में गुजरा जहाँ परिवारों को आपस में किचन बाथरूम शेयर करना पड़ता था। पुतिन की ऑफिशियल बायोग्राफी में उन्होंने खुद बताया था कि मैं एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता हूं और लंबे समय तक ऐसे ही जिया हूं। मैं एक सामान्य और औसत बच्चे के जैसे रहता था। तो साल 1960 से 1968 तक पुतिन लेनिनग्राद के ही प्राइमरी स्कूल नंबर 193 में जाते थे। 8वीं पास करने के बाद उन्होंने हाई स्कूल नंबर 281 में एडमिशन लिया। इन स्कूलों में किताबी बातों के अलावा और भी बहुत कुछ बताया और सिखाया जाता था, जैसे पश्चिमी देश एक शैतानी दुनिया है जिसका काम सोवियत यूनियन के खिलाफ साजिश रचना और उसे तोड़ना है। तो पुतिन जब 12 साल के हुए तो उन्होंने सोवियत रेड आर्मी की मार्शल आर्ट सैम्बो और जूडो क्लास ज्वाइन कर ली। उनकी माँ को लेकिन ये उनका फैसला पसंद नहीं था। बताया जाता है कि पुतिन की लाइफ में एक बड़ा टर्न एक नॉवल से आया। उन दिनों रूस में द शील्ड एंड द सोर्ड नाम की एक नॉवल काफ़ी फेमस हुई थी। बाद में नॉवल पर एक सीरीज भी बनी थी जिसमें लीड एक्टर को सोवियत यूनियन के जासूस के तौर पर दिखाया गया था। तो 15 साल के पुतिन उस सीरीज से काफी प्रभावित हुए और उनके सिर पर भी सीक्रेट एजेंट बनने का भूत सवार हो गया। 9वीं क्लास में ही वो लेनिनग्राद की एक खुफिया एजेंसी केजीबी के ऑफिस जा पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि केजीबी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, इसके लिए लॉ की पढ़ाई करनी होगी। बस फिर क्या था, जासूस तो बनना ही था, भले ही इसके लिए वकालत ही क्यों ना पढ़नी पड़े। लिहाजा उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई शुरू की और 1975 में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। बचपन से ही सीक्रेट एजेंट बनने की चाहत रखने वाले पुतिन ने 23 साल की उम्र में सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी, जिसे कॉमितेत केसुदरत वेन्नाई मेजोपास नोस्ती, ये उसका फुल फॉर्म था, केजीबी में काम करना शुरू कर दिया। केजीबी में पुतिन को
केस ऑफिसर के तौर पर लेनिनग्राद में तैनात किया गया, लेकिन यहां उनका काम विदेशी लिटरेचर जब्त करना, विदेशी टेलीकास्ट को रोकना और विदेशी विजिटर्स पर नजर रखना था। इसके अलावा पुतिन लेनिनग्राद के लोगों के विदेशी संबंधों पर भी निगरानी रखते थे। कोई उनसे पूछता कि तुम लेनिनग्राद में क्या काम करते हो, तो इस पर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से वो जवाब देते थे कि मैं लोगों के साथ घुलने मिलने में माहिर हूं और मैं यही काम करता हूं। तो केजीबी में नौकरी के दौरान एक बार पुतिन को उनके एक दोस्त ने ल्यूडमिला ओजे रत्नाया से मिलवाया, जो सोवियत संघ की ऑफिशियल एयरलाइंस एरोफ्लोत में एयर होस्टेस थी। पुतिन को ल्यूडमिला बहुत अच्छी लगी और वो दोनों अक्सर मिलने भी लगे। ल्यूडमिला कहती हैं, व्लादिमीर ने उन्हें काफी आकर्षित किया था। 3-4 महीने बाद मुझे एहसास हो गया कि ऐसे ही इंसान की मुझे जरूरत है। वहीं शादी को लेकर पुतिन कहते हैं कि अगर मैं 2-3 साल में शादी नहीं करता तो शायद पूरी जिंदगी अकेला रहता, मुझे बैचलर्स जैसा रहने की आदत सी हो गई थी। वक्त आगे बढ़ता है, साल आता है 1984, जब मॉस्को के यूरी एंड्रोपोव रेड बैनर इंस्टीट्यूट में पुतिन ने आगे की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद अगले ही साल पुतिन को केजीबी में मेजर रैंक मिली। उन्हें ट्रांसलेटर का कवर देकर सीक्रेट एजेंट के तौर पर जर्मनी के ड्रेसडन भेजा गया। यहाँ पर पुतिन का काम पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करना, खबरियों को तैनात करना, नेताओं की पर्सनल जानकारी जुटाना और नेटो की हलचल पर नजर रखना था। साल 1989 का एक किस्सा है, जर्मनी के स्थानीय लोगों ने ड्रेसडन में पुतिन के ऑफिस पर हमला बोल दिया था। परेशान पुतिन ने लोकल रेड आर्मी चीफ को फोन कर मदद मांगी तो उन्होंने कहा इसके लिए मॉस्को की मंजूरी चाहिए और मॉस्को से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये बात पुतिन के दिमाग में घर कर गई, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी जांबाजी भी दिखाई। पुतिन की ऑफिशियल बायोग्राफी में लिखा है, पुतिन ने ड्रेसडन में सोवियत कल्चरल सेंटर और केजीबी विला की कई फाइलें प्रदर्शनकारियों से बचाई थी, जो केजीबी स्टासी समेत कई खुफिया एजेंसियों से के साथ काम की थी। मतलब ये जो फाइलें थी वो केजीबी स्टासी समेत कई खुफिया एजेंसियों के काम की फाइलें थी जिन्हें उन्होंने बचाया। उस घटना के अगले साल यानी साल 1990 में पुतिन जर्मनी से वापस लेनिनग्राद आ गए और केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल पद से इस्तीफा देकर एक्टिव रिजर्व में शामिल हो गए। साथ ही पुतिन लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के रेक्टर के सहायक के तौर पर काम करने लगे। लेकिन अनातोली सोबचाक लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी छोड़ सिटी सोवियत काउंसिल का चेयरमैन बनने के लिए राजनीति में आ गए। चेयरमैन के चुनाव के दौरान पुतिन ने सोबचाक के लिए कैंपेन में मदद की। पुतिन की मेहनत का नतीजा काफी पॉजिटिव रहा और सोबचाक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लेनिनग्राद के पहले चेयरमैन बन गए। साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ टूटा और लेनिनग्राद शहर अब सेंट पीटर्सबर्ग बन गया। धीरे धीरे सोबचाक पुतिन के राजनीतिक गुरु भी बन गए। सोबचाक ने पुतिन को एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफिसर बना दिया। पुतिन केजीबी का भी काम करते रहते थे। साल 1994 में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग का डेप्यूटी मेयर बनाया गया। इसके बाद उन्होंने बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं से भी अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। 1996 में फिर से चुनाव हुए और उनके गुरु सोबचाक मेयर का चुनाव हारे तो पुतिन रूस की राजधानी मॉस्को चल दिए। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद केजीबी भी खत्म हो गई थी, उसकी जगह रूस की नई एजेंसी खुफिया एजेंसी एफएसबी बनी और जुलाई 1998 में पुतिन एफएसबी के डायरेक्टर बनाए गए। इसके बाद मार्च 1999 में पुतिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड बने। 1997 से लेकर 1999 के बीच सिर्फ 2.5 साल में पुतिन ने कई बड़े पदों पर काम किया। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति रहे बोरिस येल्सिन से रूस की जनता काफी नाराज थी क्योंकि वो कहीं भी शराब पीकर नाचने लग जाते। इसके अलावा बोरिस ने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे, जो बोरिस येल्सिन थे वो प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे थे, जिससे रूस में अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ने लगा। इस बीच पुतिन ने बोरिस के परिवारजनों और प्रभावशाली लोगों से दोस्ती बढ़ा ली, जो रूस का पूरा सिस्टम चलाते। ये सभी चाहते थे कि आने वाले समय में पुतिन को राष्ट्रपति बनाया जाए क्योंकि ये पुतिन के काम और वफादारी से प्रभावित थे। बताया जाता है कि एक बार रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने अपने कैबिनेट के लोगों से पूछा, आप पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं? सामने से जवाब आया कि पुतिन राष्ट्रपति पद के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हैं, उन्हें कंसिडर किया जा सकता है। उधर अगस्त 1999 में रूस के उत्तरी इलाके दागिस्तान पर करीब 1500 लोगों ने हमला कर दिया। मकसद था दागिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना। इसके अगले ही दिन बोरिस येल्सिन ने अपने चीफ ऑफ सिक्योरिटी व्लादिमीर पुतिन को पीएम बना दिया और इस समस्या से निपटने का जिम्मा सौंप दिया। बोरिस के इस शॉकिंग फैसले से रूसी लोग चौंक गए। वहीं पुतिन ने खुद को दी गई जिम्मेदारी निभाई और दागिस्तान को इनके हमले से बचा लिया और इस तरह वो पूरे रूस में पॉपुलर हो गए। उसी साल के दिसंबर महीने में बोरिस येल्सिन ने एक और चौंकाने वाला फैसला किया। नए साल से
तीन दिन पहले बोरिस ने कहा कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहते और अगले ही दिन उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर पुतिन को बुलाया और कहा, मैं जुलाई 2000 तक राष्ट्रपति नहीं रहना चाहता, साथ ही मेरी इच्छा है तुम रूस के राष्ट्रपति बनो। पुतिन इस मौके पर अपने भाषण में कहा, FSB के ऑपरेटिव्स को बताना चाहता हूं कि मिशन का पहला स्टेज सफल हुआ और दूसरे स्टेज की शुरुआत हो रही है। इसके 10 दिन के अंदर ही रूस की सुप्रीम पावर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आ गई और वो अंतरिम राष्ट्रपति बने। 3 महीने बाद मार्च 2000 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इस चुनाव में बोरिस की फैमिली के साथ साथ कई ब्यूरोक्रेट्स, नेता और उद्योगपतियों ने पुतिन की मदद की और वो चुनाव जीत गए। इस तरह पुतिन लगातार 2 चुनाव जीतकर 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहे। इन 8 सालों में पुतिन के खिलाफ जिसने भी बगावत की उसे रहस्यमय तरीके से या तो गायब कर दिया गया या मार दिया गया। पुतिन के आज इतने दुश्मन हैं, इतनी पर्सनल सिक्योरिटी होने के बावजूद उन पर 43 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार बच निकले। पुतिन ने लगातार 2 बार अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा किया। वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन रूसी संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि उसमें लिखा है कि कोई भी शख्स लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके चलते 8 मई 2008 को पुतिन ने अपने पीएम दिमित्री मेदवेदेव को, जी हाँ, खास बात देखिए क्या उन्होंने यहाँ पर स्मार्ट मूव लिया। पुतिन ने अपने पीएम दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवाया और खुद पीएम बन गए। नवंबर 2008 में दिमित्री ने संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। इसके बाद 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए। वो लगातार रूसी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते रहे और देश की जनता को सोवियत यूनियन की ताकत वापस दिलाने के सपने दिखाते रहे। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा खत्म कर दी और अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए उन्होंने जनमत संग्रह करवाया। तब तक पुतिन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि जनमत संग्रह में 76% वोट पुतिन के समर्थन में पड़े और इसके साथ पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया। इससे पुतिन सोवियत संघ पर करीब 3 दशकों तक राज करने वाले जोसेफ स्टालिन से भी आगे निकल जाएंगे। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2013 से लेकर 2016 तक लगातार 4 बार व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे पावरफुल मैन घोषित किया था। पुतिन रूस के सबसे अमीर शख्स भी माने जाते हैं। इसके अलावा पुतिन ने रूसी अरबपतियों के ग्रुप ओलिगार्क्स पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना रखी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पुतिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करने से कतराते हैं। शादी के 30 साल बाद 2013 में पुतिन ने अपनी पत्नी ल्यूडमिला को तलाक दे दिया था। उनकी बेटियों की गिनती रूस की सबसे अमीर लड़कियों में होती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुतिन का नाम रूसी नेत्री, मीडिया मैनेजर और एक रिटायर्ड रिदमिक जिमनास्ट अलीना काबेवा के साथ जोड़ा जाने लगा। हालांकि पुतिन ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की। दुनिया भर में पुतिन के टेरर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पश्चिमी देशों ने बैकडोर से यूक्रेन की खूब मदद की, लेकिन सामने कोई नहीं आया। ये जंग पिछले 2 साल से जारी है। इस दौरान पुतिन ने कई बार परमाणु हमले की धमकी भी दी, लेकिन ऐसा किया नहीं कभी। इसमें बहुत बड़ा रोल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है, क्योंकि उन्होंने पुतिन को ऐसा न करने की सलाह दी थी। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।